फ्रेंड्स, दिस इज प्रियांशी एंड वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुके हूँ, उससे रिलेटेड केस स्टडीज, एमसीक्यूज लगभग सारे आपके बहुत हद तक हो चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियोज़ भी जाकर देख लेना, क्योंकि चैप्टर्स जो आपको समझाए गए हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से समझाए गए हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। ओके, ऑर्गेनाइजिंग को आज से स्टार्ट करेंगे। कुछ पार्ट्स में इसकी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि अगर मैंने ये एक में करा दिया, एक ही वीडियो में सारा चैप्टर कवर करा दिया, तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो धीरे धीरे आराम से करेंगे और पूरा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज इसके मीनिंग से, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो देखिए, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजिंग का पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखिए, जब भी कोई कंपनी होती है उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। तो जो एक्टिविटीज़ वहाँ पर परफॉर्म की जा रही हैं, अगर मान लीजिए उसे कोई एक ही एम्प्लॉय किए जा रहा है, या किसी एम्प्लॉय को ये नहीं पता कि उसे वर्क क्या करना है और जिसके मन में जो आ रहा है वो वही वर्क कर रहा है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कई बार क्या हो जाता है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आप ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो। मतलब एक काम में एक लेबर की ज़रूरत है, आप वहीं पे 5 लेबर यूज़ कर लेते हो, है ना, और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूज़फुल नहीं हो पाते। साथ ही साथ जो आपकी एक्टिविटीज़ है वो भी डबल बार हो जाती है, एक ही एक्टिविटी रिपीट हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही ये होता है कि जो भी काम है उसको डिफाइन कर देना और साथ ही साथ उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, ठीक है, ताकि और उसके साथ साथ क्या करना, उनको थोड़ी सी अथॉरिटी भी दे देना, ताकि जो काम है वो अच्छे से हो पाए, जो हमारा डिज़ायर्ड गोल है, जो हमने सोचा है कि हमें ये गोल अचीव करना है, वो हम अचीव आराम से कर सकें। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, वर्क को डिफाइन करना, उसको ग्रुपिंग करना, साथ ही साथ थोड़ी सी अथॉरिटी देना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करना और डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर लेना। तो ये था ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग। ओके, अब मैं आपको इसके स्टेप्स बता देती हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, किस किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। मतलब जो भी काम है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि काम एक्चुअल में है क्या, हमें क्या काम करना है, और फिर उसको डिवाइड करना। कैसे डिवाइड करना, मतलब लोगों में, एम्प्लॉयज़ में उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस वर्क को डिवाइड कर देना। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन इज आइडेंटिफाइड, मतलब जो काम आपको करना है उसको सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसके बाद उस टास्क को आप डिवाइड कर दोगे ताकि वो ईजिली आप अचीव कर सको। ओके, आगे देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा हो गया, आइडेंटिफाई एंड डिविजन ऑफ वर्क। सेकंड हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब आपने क्या किया, आपने वर्क को तो आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उसे डिवाइड भी कर दिया, अब आपको सेकंड काम क्या करना होता है, उनके डिपार्टमेंट बना देने होते हैं। जैसे एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया प्रोडक्शन का, एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया परचेज का, एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया सेल्स का, एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया फाइनेंस का। तो मतलब इसी तरह से सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बना देने, उससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी होगी वो सारी इस डिपार्टमेंट में आएगी, जो परचेज की होगी वो सारी इसमें, ऐसे ही जो सेल्स की होगी वो इसमें, और जो फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी वो इस डिपार्टमेंट को देखनी है। तो उससे क्या होगा कि हर डिपार्टमेंट को अपना अपना वर्क पता चल जाएगा, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड बेनिफिट्स, सारी चीज़ें उन डिपार्टमेंट्स को ही देखनी होती हैं। ओके, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड क्लब्ड, मतलब जो भी काम है उसको क्लब्ड कर देना एक ही बैनर के अंदर, मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर उसको दे देना। अगर एक ही टाइप का एक्टिविटी है, मतलब परचेज से रिलेटेड जितनी भी रिलेटिव एक्टिविटीज़ हैं, परचेज से रिलेटेड जितने भी टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनका आप एक अलग सेपरेट डिपार्टमेंट बना दो, उनका आप परचेज डिपार्टमेंट बना दो। ऐसे ही प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए, फाइनेंस के लिए, या और भी अदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी के लिए। तो आपने दो स्टेप पढ़े, सबसे पहला कौन सा था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, सेकेंड कौन सा था, डिपार्टमेंट। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड होता है असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज़। असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है कि जो आपने वर्क डिपार्टमेंट में डाला है, अब आप लोगों को उस अकॉर्डिंगली वर्क को दे दो, मतलब जॉब असाइन कर दो। जो एम्प्लॉयज़ जिस एबिलिटी का है, जिसके अंदर जितनी एबिलिटी है, जिसका जो इंटरेस्ट है, उस अकॉर्डिंगली आप उसको वर्क दो। ओके, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। जॉब पोजीशंस आर क्रिएटेड एंड कंसर्न ड्यूटीज़ आर असाइंड फॉर दीज पोजीशंस। मतलब जो आपने पोजीशंस बनाई हैं उसके लिए आप उसी तरह के एम्प्लॉयज़ को डालो, जो एम्प्लॉयज़ उसके लिए एबल हैं, जिसको उसमें इंटरेस्ट है, या जो वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप परचेज डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट रखने वाले बंदे को सेल्स में डाल दे रहे हो, तो वो कैसे काम करेगा। तो यही चीज़ें हैं कि उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उनको ड्यूटीज़ असाइन कर दो, ठीक है। तो आपने तीन स्टेप पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एंड लास्ट आपका आ जाता है एस्टेब्लिशिंग
रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपने वर्क वगैरह डिवाइड कर दिया लोगों के बीच में, तो अब क्या हो जाता है, उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाती है। उनके बीच में कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि आपने काम को डिवाइड कर दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि लोगों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स है, लड़ाई है, किसी चीज़ को लेकर झगड़ा है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। लोगों की कन्फ्यूज़न भी दूर होती है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को अपना काम पता है कि उसे क्या काम करना है या उसे अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो किसी और डिपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता और अपने काम से काम रखता है। तो इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाती है अपने वर्क को। ठीक है, तो आपका लास्ट यही है कि एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो पाता है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, अब एक चीज़ और है इसके अंदर, जब आप डिपार्टमेंट बना दोगे अलग अलग तो एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। अब उसे पता है कि उसे किसको रिपोर्ट करना है, मतलब उसे कोई वर्क मिला है तो उसको उस वर्क को किसको जाके बताना है कि हमने ये काम कैसे किया। उसको हेड का भी पता है अपने कि अब मुझे किस हेड को जाके ये चीज़ें रिपोर्ट करनी है, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि भाई किसके पास जाएं और किसको बताएं, किससे ऑर्डर लें, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाती हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो, ठीक, ऑर्गेनाइजिंग को फॉलो करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमने स्टेप्स भी पढ़ लिए, हमने मीनिंग भी पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक हम लोग आज के लिए जो हमारा लास्ट रहेगा वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसको और देख लेते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है आपका बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या है, जब जो काम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग पर्सन्स में, अलग अलग एम्प्लॉयज़ में, जब आप वर्क को डिवाइड कर दोगे उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं उनके काम में भी स्पेशलाइजेशन आएगा। वो एक स्पेशलिटी है, मतलब एक अच्छे तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक मैनर में अपने काम को परफॉर्म कर पाएंगे। इससे आपको भी फायदा होगा, आपकी जो पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन है उसका वर्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब अगर डिवीज़न कर दिया जाए वर्क को तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, तो ये था। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं एक बार। सेकेंड पॉइंट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑफकोर्स क्लैरिटी आएगी वर्किंग रिलेशनशिप्स में, जब आप ऑलरेडी वर्क को डिवाइड कर दोगे तो लोग एक दूसरे के काम में जाके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट करेंगे, एक दूसरे के काम में जाके इंटरप्ट नहीं करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे। हर डिपार्टमेंट को पता होगा कि उसका कौन सा काम है, उसे क्या परफॉर्म करना है, तो उसे दूसरे डिपार्टमेंट के पास नहीं जाना और उसके काम में ताका झाँकी या उसके काम में अड़ंगा नहीं खड़ा करना है, है ना। तो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी आ जाती है रिलेशनशिप्स में, सबको अपना काम पता होता है, सब उसे अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप गेट क्लैरिफाइड, हर चीज़ मतलब क्लियर हो जाती है। तो इस पॉइंट में ये है, तो आपको इस चीज़ का भी फायदा होगा। अगर क्लैरिटी आ जाएगी वर्क में तो ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रोथ में जाएगी ना, इन छोटी छोटी चीज़ों से अलग हट के अब ऑर्गेनाइजेशन और किसी चीज़ पर ध्यान दे सकती है ना। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब वही है मैंने आपको बताया था कि अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग को यूज़ नहीं किया जाता, वर्क को डिवाइड नहीं किया जाता, तो वहाँ पे क्या होता है कि रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं। कहीं पर आपको एक लेबर की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे चार लेबर यूज़ कर लोगे, कहीं पे आपको एक मशीन की ज़रूरत है आप वहाँ पे दो मशीन यूज़ कर लोगे, तो मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं जिसको आप कहीं और यूज़ कर सकते थे, है ना। तो ये होता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजिंग को यूज़ करते हो तो आपको इस चीज़ का भी फायदा मिल जाता है कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हो रिसोर्सेज का, आपके रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते। तो हमने थर्ड पॉइंट भी पढ़ लिया, मैं आपको एक बार शुरू से तीन पॉइंट दिखा देती हूँ तीनों। आपने सबसे पहला पढ़ा था बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, फिर पढ़ा था क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, थर्ड था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ पर आ जाते हैं, फोर्थ है आपका अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज का मतलब ये है कि जब काम को डिवाइड कर दिया जाएगा, उनके डिपार्टमेंट बना दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास इतना टाइम हो जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना टाइम हो जाता है कि वो मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सके, वो मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अडेप्ट कर सके, उसको फॉलो कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्यूज़न इस चीज़ से हट जाती है, तो अब उसके पास टाइम बच जाता है कि वो आगे की चीज़ों के लिए थोड़ा सा सोच सके। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंज को अपना रही है तो कहीं ना कहीं उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करती है, है ना। अ वेल ऑर्गेनाइज बिजनेस फर्म कैन अडेप्ट टू एक्सटर्नल चेंजेस, मतलब जो भी बाहरी चेंज हो रहे हैं या मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नई जो कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके रिलेटेड कोई भी चेंज आ रहा है तो उस चीज़ को वो आराम से अपना सकती है। कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है, कॉम्पिटिटर कोई हाई क्वालिटी चीज़ें ले आए हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप खुद को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन।
इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि मतलब वो पर्सन जो आप पर कंट्रोल कर रहा है, मतलब जिसको आपको रिपोर्ट करना होता है। एम्प्लॉयज़ जिस पर्सन को रिपोर्ट करते हैं वो आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट बन जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ पता हो जाती है कि हाँ भाई हमें किसको रिपोर्ट करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को रिपोर्ट करना है। परचेज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को पता है कि उन्हें परचेज डिपार्टमेंट के हेड को रिपोर्ट करना है। तो इसी तरह से सबको अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड के बारे में मालूम होता है और उनके बीच से कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाती है कि मुझे किसी और को जाकर रिपोर्ट तो नहीं करना है ना। उन्हें अपनी क्लियर चीज़ें सारी पता होती हैं, तो इस चीज़ का भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर फ़ायदा देखने के लिए मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आज के लिए, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। एक बार देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, व्हेन जॉब्स आर असाइंड थ्रू ऑर्गेनाइजिंग द एम्प्लॉयज, एक मिनट, व्हेन जॉब्स आर असाइंड थ्रू ऑर्गेनाइजिंग द एम्प्लॉयज लर्न एंड डेवलप इन एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट। जब सारा काम पर्टिकुलर वे में हो सकता है, डिपार्टमेंट्स वगैरह बन गए, लोगों को उनकी ड्यूटीज़ असाइन कर दी, आप चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा, है ना। कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस का एक्सपेंशन होगा। अब आप और भी जगह अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई नई ब्रांच खोल लेंगे, है ना। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चल रही है, उसमें हमने जो वर्क ऑर्गेनाइजिंग से किया है, ऑर्गेनाइजिंग यूज़ करके हमने उसमें जो वर्क किया है उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हम एक नई ऑर्गेनाइजेशन, नई बिज़नेस, नया ब्रांच एक खोल सकते हैं, है ना। तो ये भी एक फायदा होता है। तो आपने इसके यहाँ पे 6 पॉइंट्स पढ़े थे जो कि एक एडवांटेजेस थे अगर आप ऑर्गेनाइजिंग को यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर वगैरह समझाऊंगी। आज के लिए बस यही थी इंपॉर्टेंस, स्टेप्स और मीनिंग आपको समझाना था। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।